आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। लड़कियां आजकल हर फील्ड में आगे निकल रही हैं और आप हर बार देखते हैं कि हर बार लड़कियां ही बाजी मार रही हैं। लगातार काफी सालों से ये हो रहा है और अब एक बार फिर से 10th का CBSE का रिजल्ट आया है और उसके अंदर अंजलि यादव जो कि महेंद्रगढ़ जिले के सिलारपुर गांव की रहने वाली है उसने टॉप किया है पूरे भारत के अंदर। लेकिन जब इनकी क्षमता की बात की जाती है कि बेटियां हरियाणा के अंदर एक शब्द बोला जाता है म्हारी छोरी के छोरा थे कम से और वही इन्होंने करके भी दिखाया है। ये बिटिया ये गुड़िया आज पूरे देश के अंदर एक सेलिब्रिटी बन चुकी है। इसके घर पे न जाने कितने ही मीडिया हाउसेज की लाइन लगी रहती है और सुबह से शाम तक हर दिन इंटरव्यू ही इंटरव्यू इस गुड़िया के चलते रहते हैं। लेकिन हम पूरे आज तक के सफर की अगर बात करें उसके बारे में बात करेंगे, इनके दादाजी से भी बात करेंगे, इनकी माँ से भी बात करेंगे और पूरे परिवार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से संस्कार उन लोगों ने इस गुड़िया को दिए हैं कि और जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये गुड़िया इतनी आगे तक पहुंची है। चलिए अंजलि से हम बात करते हैं और सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। अंजलि, आज अगर बात करें फिलहाल की, मेरे ख्याल से आपके पास बहुत से मीडिया हाउस आ भी चुके होंगे, तो अब तक का अगर मीडिया हाउसेज की बात कर ली जाए कितने लोग आपके पास आते हैं, तो उस समय पे कैसा लगता है? जब एक दिन पहले तब रिजल्ट नहीं आया था तो लाइफ कुछ और थी और आज के दिन अब लाइफ कुछ और है, तो अब क्या लग रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है, सभी लोग आ रहे हैं, सभी सेलिब्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे सभी बधाइयाँ दे रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी, आपने जो स्टडी की अपनी तैयारी की थी 10th क्लास की, अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर क्या कुछ ऐसा अलग किया था कि और बच्चे नहीं कर पाते, या फिर अगर प्रिपरेशन जब होती है तो उस समय क्या माइंड में? सर, मैं भी ऐसे ही पढ़ती थी, लाइक मैं स्कूल से घर आके थोड़ा रेस्ट करती थी, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करती थी और मैं पढ़ती इस तरीके से थी कि मैं अपना एक टारगेट फिक्स करती थी और उस टारगेट में जैसे मैं जो भी मैं होमवर्क करना है, मेरे को रिविजन करना है, कुछ क्वेश्चन करने हैं जो टीचर्स ने काम दिया है वो मैं कम्प्लीट करती थी, अपना काम हमेशा कम्प्लीट करती थी और रेगुलरली कंसिस्टेंटली मैं पढ़ती थी। ऐसा होता है कि बोला जाता है कि बच्चा दिन रात पढ़ता है, 22 घंटे पढ़ता है, 24 घंटे पढ़ता है, 18 घंटे पढ़ता है, क्या ऐसा कुछ नहीं होता है? सर, ऐसा मैंने नहीं किया कभी भी, मैं अपने एंटरटेनमेंट के साथ भी मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और मैं अपने पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करती थी। अच्छा, सोशल मीडिया आज के दिन, क्योंकि आप युवा हैं, बहुत ही यंग एज में हैं आप, तो इस समय पे सोशल मीडिया का जमाना है और हर बच्चा लगभग सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहता है, तो क्या उसको भी आप टाइम देती हैं या फिर उसको सिर्फ व्यर्थ मानती हैं? नो सर, मैंने कभी सोशल मीडिया यूज़ नहीं किया, मेरा कोई पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मतलब वो हमें हमारी पढ़ाई को कुछ डिस्टर्ब करता है क्या, बिकॉज मैंने कभी यूज़ नहीं किया एंड हम उस पर अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो गलत है। जी, आपकी माता जी की अगर बारे में बात करूँ तो अब तक की आपकी जो जर्नी रही है, पहले आप ये बताएं कि आपके पिता क्या करते हैं और माताजी करते क्या हैं? पापा आईटीबीपी से रिटायर्ड हैं, मम्मी हाउसवाइफ। मम्मी हाउसवाइफ हैं, तो ज्यादातर टाइम आपने माँ के साथ बिताया हो, तो उस समय पे माँ ने ऐसी कौन से आपको संस्कार दिए या कौन सी ऐसी सीख दी, मार्गदर्शन क्या किया कि जिससे आज आते हैं? मेरी मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, जब से मैं छोटी हूँ तभी से मम्मी ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और वो मेरे ऊपर बहुत फोकस करती थी, मेरी पढ़ाई को लेकर उनको भी बहुत वो अवेयर थी और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और आज मैं जहाँ भी हूँ मेरी मम्मी का सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका बोला जाए 90% मार्क्स आए हैं लेकिन उसमें भी किसी को एक नंबर कम आ जाए, दो नंबर कम आ जाए या फिर किसी से वो कमतर रह जाए तो फांसी तक लगा ले, ये कहाँ तक सही है या फिर उन बच्चों को क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है, अगर हम एक दो नंबर से आगे पीछे हो रहे थे कोई बड़ी बात नहीं है, इससे हमें ये नहीं पता चलता कि हमें नॉलेज कितनी है, तो ये कोई मैटर नहीं करता कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं और ऐसे अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, हमें आगे और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। क्या आपने कभी जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो ज्वाइन की थी,
क्या आपने जो स्कूल से बाहर ट्यूशन है वो ज्वाइन किया था, या फिर आप नॉर्मल तरीके से स्टडी करती रही, जो स्कूल के अंदर काम करवाया जाता है सिर्फ उसी के ऊपर बेस्ड रही, या फिर कैसे क्या किया आपने? मैंने कोई ट्यूशन या एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ नहीं लिया, जो स्कूल में पढ़ाते थे वो इनफ था। मेरे टीचर्स ने मेरा खुद सपोर्ट किया, उन्होंने जो पढ़ाया वो इनफ था, वो जो पढ़ाते थे मैं उसी को ही फॉलो करती थी, उसी को ही मैंने पढ़ाया, और उन्होंने जो पढ़ाया है वो CBSE के अकॉर्डिंग वो इनफ था। घर के अगर हम बात करें कामकाज की, या घर के जितने भी काम होते छोटे मोटे, तो क्या आप उसमें भी अपनी माँ का हाथ बटाती थी या सिर्फ पढ़ाई के लिए छोड़ा हुआ? नहीं, मेरी मम्मा मुझसे कुछ काम नहीं करवाती थी, वो बोलती आप पढ़ाई करो बस, लेकिन ऐसा कभी प्रेशराइज भी नहीं किया कि बस पढ़ना ही पड़ता है जी। लेकिन बात अगर की जाए भविष्य की, फ्यूचर के बारे में, क्योंकि अभी तो आपकी एज बहुत छोटी है, आज के दिन क्या आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि आगे जाके भविष्य में मुझे ऐसा कुछ करना है? मैं बचपन से ही, मेरी यही इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना ही बचपन से इच्छा थी? माँ बाप की इच्छा है या आपकी इच्छा है? सर मेरी इच्छा है, मम्मी पापा ने मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए बट मैंने मना कर दिया, तो पेरेंट्स ने कहा कि आपको जो करना है वो बेस्ट है। अगर कल को आप डॉक्टर बनती हैं तो आप जॉब करने के लिए, अगर आपको बोला जाए, तो आप इंडिया में जॉब करना चाहेंगे या बाहर? मैं इंडिया में ही जॉब करना चाहूँगी, मैं जो इंडियन से जो पुअर है मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं समाज सेवा करना चाहूँगी। समाज सेवा और डॉक्टर दो चीज़ें अलग तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जब जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो प्राइवेट अपने जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो चला रहे हैं, वहाँ पे भी बड़े बड़े जो MBBS डॉक्टर हैं वो बैठे हुए हैं, लेकिन अब जब कोरोना काल आया था तो उस दौरान में उन्होंने सिर्फ इसको कमाई का धंधा बना लिया, या फिर और जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको यही इसी दृष्टि से देखा जाता है कि वो कमाई का धंधा है, तो उनके बारे में आप क्या विचार हैं? सर वैसे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, बट मैंने सोच रखा है कि मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगी तो मैं जो नीडी है मैं उनकी हेल्प करूंगी, और रही बात कोविड दौर की तो उसमें भी डॉक्टर्स ने काफ़ी कुर्बानी दी है, उन्होंने भी सोसाइटी के लिए काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं वो कुर्बान भी हुए थे देश के लिए, तो उनसे भी मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि मुझे भी देश की सेवा करूँ। जो बच्चे अब आने वाले समय में आगे आएंगे, या आपकी तरह ही जो अपना एम देख रहे हैं कि जिनको अभी CBSE टॉप करना है, या हरियाणा बोर्ड टॉप करना है, या जो भी बोर्ड उनको टॉप करना है, तो उनके लिए क्या सलाह? उनके लिए यही सलाह है कि वो अपना रेगुलरली पढ़े, कंसिस्टेंटली पढ़े, और टीचर्स और पेरेंट्स को फॉलो करें, बिकॉज वो जो गाइडेंस देगी वो हमेशा सही होगी, और वो कभी आपको मिसगाइड नहीं करेंगे, तो सबसे ज़्यादा तो उनकी बात मानिए और अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज वो आपको हमेशा सही है। आपने बीच में बहुत बार पेरेंट्स का नाम लिया, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा लाइफ के अंदर, अगर मैं बात करूँ इस एग्जाम से पहले की, पहली बार तो क्या आपने सोचा हुआ था कि मैं टॉप आऊँ या इस पोजीशन पे आ सकती हूँ, या फिर आपको ये लगता हो कि मैं 90% अबाव तो रहूँगी, लेकिन कहीं पे मनोबल टूटा कभी कि ये लगा हो कि मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ? नो सर, मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर रही थी, और कभी कभी मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो जाता था, तो मैं पेरेंट्स से बातचीत करती तो वो मुझे समझाते थे, तो इस तरीके से मैंने किया, और मैं कभी भी ये नहीं सोचा मैंने कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं बस रेगुलरली हार्डवर्क करती रही। और जब CBSE का जब एग्ज़ाम्स हुए थे, तो जब हमने आंसर्स डिस्कस किए थे क्वेश्चन टीचर्स के साथ, तो फिर देखा था कि आंसर्स मेरे सारे सही थे, तो मुझे लग रहा था कि रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन कभी भी आपने टॉप के लिए ट्राई नहीं किया, बस हार्ड वर्क पे ध्यान रखा, स्टडी करते हैं। यस सर, सर मैं चाहती थी कि सभी चाहते हैं कि ऐसा हो, बट मुझे पता था मैं 98 अबव रहूंगी, लेकिन ये नहीं पता था कि हर सब्जेक्ट के अंदर 100 मार्क्स आएंगे। अब मैं अंजलि से ये पूछना चाहता हूँ कि हर सब्जेक्ट में मार्क्स तो ले लिए, लेकिन अंजलि का खुद का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? सर ऑब्वियसली बायोलॉजी तो होना ही था, अगर आप डॉक्टर बनना चाहती हैं तो बायोलॉजी उसमें रहेगा। चलिए आपके जो मॉम डैड हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, आपके दादा हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए बधाई कि आपने ना सिर्फ आपके इस गांव का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, और एक तरीके से आपने यदुवंश समाज का भी नाम बहुत ऊपर किया है, क्योंकि अब तक देखा जाता था कि यादवों के अंदर
इतना कुछ नहीं हो पाता था जहां तक इतने टॉप पे बच्चे जाते हो, और ना सिर्फ आप, एक बच्चा और भी है मयंक यादव, शायद आपको भी पता होगा, उन्होंने भी आपके साथ में टॉप किया है सीबीएसई को, तो वो भी एक बच्चा है। चलिए आपके मॉम डैड से हम बात कर लेते हैं।